हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और जो पापा का फ़ोन ख़राब हो गया था ना, वो कल ठीक हो गया था। मैं शाम के टाइम गया था फिर लेने, तो वो ठीक हो गया था, अच्छे से चल रहा है अब। और आज चलते हैं, देखते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मैं नीचे जाऊंगा अभी, ऊपर नहा धो के आया था अभी, और नीचे जाके देखते हैं, पापा से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, तो हम फिर चलते हैं घूमने। और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता, ये देखे मैं नीचे आ चुका हूँ। और मेरी बेबी भी नीचे ही थी, क्या कर ली हूँ। और मम्मी भी यहीं है, मम्मी से पूछते हैं कि हम घूमने जाए। मम्मी, हाँ? हम घूमने जाए क्या? कहाँ जाओ? मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर चले में। जाओ। अभी नहीं राम बता राम जी। अभी नहीं बताएंगे। क्यों मार रहे हो आप? आपको नहीं लेके जाने के? आप भी जाओगे? क्योंकि अभी नहीं बता रहे, जाने के बाद ही बताएंगे। अच्छा, तो जब भी लेकर चले, इसलिए इसलिए मार रहे हो आप? आपको भी लेकर चले? ये देख लो, ये देख लो, इसे ये कह रही है कि मुझे भी लेकर चलो, आपको नहीं लेकर जाएंगे हम। गर्मी हो रही है, गर्मी में बेबी नहीं जाता, बेबी को गर्मी में कैसे लेके जाए। बस 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 बस, बस, बस। मम्मी ने कह दिया जाने के लिए। और पापा थे नहीं, मैं पापा से भी पूछता, पापा नीचे थे नहीं, कहीं बाहर गए हैं काम से, इसलिए मैंने मम्मी से ही पूछ लिया। ये देखिए, मम्मी भिंडा तोड़ दिया, भिंडा आ रही है, ये देखो। ओहो, आज बनेगी भिंडा की सब्जी। आप भी तुड़वा देख लो, जैसे दादी तोड़ दिए यहाँ पर, हैं? आप भी तुड़वा दो। देखो, अरे गुलाब का फूल दिखाते हैं, आ रहा है क्या आपका? आपका गुलाब का फूल आ रहा है क्या? देखियो, ओए नहीं आया अभी तक, थोड़ा सा ही है तो नहीं आया। क्या वो अच्छी में खुजा मार दी है? देखे, मम्मी और छोटी बेबी ऊपर जा रहे हैं। बाय बाय कर दो, बाय। अब नहीं कर दी, अब नहीं कर दी, बाय। नीचे रहना आपको दुकान में ही, बाय। चलो, ये देखे, बंदर ने सारा ढक्कन तोड़ दिया है टंकी का। अब मैं इसको लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा, ताकि बंदर पे टूटे ना, इसलिए अब मैं ये लगाऊंगा। सारा का सारा तोड़ दिया बंदर ने। चलो, मैं इसको लगाता हूँ अभी, फिर दिखाऊंगा आपको। ये देखे, मैंने लगा दिया है अच्छे से, ये देखे। और हाँ, मैंने उठाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि गलत है यार, क्योंकि बंदर को लग जाए तो गलत है, पर क्या करें, एक दो ही ज़्यादा नहीं उठाऊँगा मैं, क्योंकि बंदर फिर चढ़ेंगे नहीं, नुकसान नहीं करेंगे इस वजह से। वैसे मन तो कर नहीं रहा, पर फिर भी क्या करें। वहाँ पर हम घूमने के लिए जा रहे थे, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से चेंज भी हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम शाम को जाए, ठंड ठंड में थोड़ा सी ठंडी हो जाए शाम के टाइम, तो इसलिए अभी समझ नहीं आ रहा, अभी देखते हैं बाद में जाए या ना जाए। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अभी 10 बज 11 बज रहे हैं, और देखते हैं जाए या ना जाए। अभी मन तो कर नहीं रहा, शाम के टाइम देखते हैं जाने के लिए, या फिर कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि छोटी बेबी भी जाएगी ना, इस वजह से हम कैंसिल ही कर रहे हैं लगभग। देखते हैं, शाम को 5 बजे जाएंगे तो धूप कम हो जाती है उस टाइम पे, तब देखते हैं, क्योंकि छोटी बेबी जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे भी दिक्कत आएगी, इस वजह से हम सोच रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल देखते हैं क्या करना है आगे। जगह लाइट आ चुकी है, और मैं इसको रोटी को काट दूंगा, क्योंकि मैं कि अभी बाहर जा सकता हूँ काम के लिए, थोड़ा सा काम है मुझे, और या नहीं भी फिर मम्मी परेशान हो जाती है, मम्मी से अच्छे से कटता नहीं, तो अभी मैं काट देता हूँ जल्दी से, ताकि लाइट भी ना भाग। घास, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं काटा, बेकार हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है इस वजह से, तो फिर बेकार हो जाता है गर्म होने की वजह से, तो इसलिए थोड़ा काटा है। थोड़ा जब शाम को घास करेंगे तब काट दूंगा। ये देखिए, छोटा बेबी चौके उठ चुका है, और उठते ही छाल आल ताता है, उठते सारा। हाँ, इन्नू मिन्नू कर लिया आपने,
वैसे मैंने भी की थी और भी बेबी ने भी की थी। हाँ निन्नी की थी आप, ये भी बता रही है कि मैंने भी निन्नी की थी है ना बेटा। ये देखे खाने में आ चुके हैं, चावल है, सलाद है और सब्जी पनीर भी है, मटर पनीर, और ये अपनी छाए है। और खाते हैं जल्दी से, फिनिश करते हैं इसको। ये देखिए हमने पुनः रैंक लिया था और ये थोड़ा सा जला हुआ है, तो इस पे हम अब रंग करेंगे, ठीक है। अच्छे से पेंट कर दिया इस पे, और मेरे कपड़ों पे भी गिर गया, हाथ पे भी गिर गया था, हाथ पे तो कर दिया था, मेरे चेहरे पर भी, मुंह पर भी गिरा, तो उसे भी कर देंगे। फिलहाल देखो ये कितना अच्छा हो गया, ये देखो कितने अच्छे से पेंट कर दिया, शेयर देखो। ये देखिए अब मैं बाइक को धुलवाने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ इसे धो धुलाने के लिए। ये देखिए मैं अपनी बाइक को धुलाने आ चुका हूँ यहाँ पर डग पे, अब धुलाते हैं इसको। ये देखिए हमने बाइक अच्छे से धुला दी और अब जाएंगे हम घर पे, अब चलते हैं हम घर। ये देखिए अब हम जा रहे हैं घूमने, हमारा प्लान बन गया घूमने का, वो भी मंदिर में जाने का, दो जगह जाएंगे। चलते हैं अब हम जाएंगे कार से, क्योंकि मम्मी भी जा रही है, ओ मैं बेबी भी जा रही हूँ, और बेबी की मम्मी भी जा रही है, और मेरी मम्मी भी जा रही है ना वो यहाँ पर ही है ये देखो चलो अब चलते हैं। देखिए हम सब बैठ लिए हैं और अब हम चलते हैं। देखिए नाग बाबा मंदिर में आ चुके हैं, अब हमें बस सड़क क्रॉस करनी है, वो थोड़ा शीशे ज्यादा गंदे हो रहे हैं इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहे। तो कुआड़ भी खोल ले पड़ेंगे, अंदर जाए यहाँ पर ही खड़ी कर दे मम्मी, या अंदर करे, चलो यहाँ ही कर देंगे। अब हम नीचे उतरते हैं और चलते हैं अंदर। देखिए मम्मी सबसे पहले जाने के लिए तैयार हो चुकी है, ये चलो हम अंदर चलते हैं। अब अंदर जा रही है मंदिर में है ना, आए कर दी चुके, आए आए कर दो, चलो ये कितने अच्छे से बीच में, बिल्कुल बीच में बना रखा है नाग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी अंदर चल के देखते हैं मंदिर में, और ऊपर भी है भगवान की मूर्ति बना रखी है, वे भी दिखाएंगे आपको। चलो अंदर चलते हैं हम अब। ये देखिए दान पात्र, अपनी इच्छा से जो कुछ भी गिरना चाहे गिर सकते हो, है हो नाग बाबा जी की जय हो, जय हो, जय हो, हो जय हो नाग बाबा जी। और हम घंटी बजाएंगे, और छोटी बेबी ने भी बजा दी घंटी, शेष नाग भगवान जी बोलते हैं।
शेषनाग भगवान जी, ये देखे हमने शेषनाग जी पे जोत जला दिया, और ये थी मम्मी और ये बेटी है वंशी का। क्या कर दो? ये देखिए अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखो क्या सीढ़ी बना रखी है। और आपको आप ऊपर से मैं खेत दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आ जाओ ऊपर से दिखाते हैं खेत अच्छे लगते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति बना रखी है, आपको दिखाएंगे। और पीछे देखो बहुत ही अच्छा लगता है ऊपर आके, खेत बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अभी मैं और भी दिखाऊंगा, चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर कोई आके उपाद मचा देता है, तो इस वजह से ताला लगा के रखते हैं। और वही हुआ कि ताला लग रहा है, देखो ये तो आपको हम अंदर से भी दिखाते हैं, ताला लगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे आके आड़ तारते ना इस वजह से। वैसे मैं देखता हूँ कैमरे में, कैमरे से अंदर देखे कितना अच्छा है। विष्णु भगवान जी है और कृष्ण जी है, और इस साइड में राइट साइड में शिव जी भगवान जी है। और अंदर हम इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि ताला लगा रखा है, कोई लड़के मतलब आते हैं ऐसे ही कुछ छेड़छाड़ देते हैं, उस वजह से ताला लगा रखा है। और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना रखी है, ऊपर बहुत ही अच्छा डिजाइन है, अंदर से काश मैं दिखा पाता आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमें अब बेबी को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी छाया और ठंडक ठंडक सी लग रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। आपको भी अच्छा लगा ना यहाँ पर आके? अब हम चले नीचे, चलना है घर? चलो 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 चलते भाई हैं, चलो आओ चलेंगे। क्या पैड़ी बना रखी है उतरने के लिए, देख क्या मज़ा आता है यार, सही है। चल दिए यहाँ से, हमें घूमने में अच्छा लगा, पर जब वो ताला खुल जाता ना बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगता जो ताला खुला रहता। तो अब हम चल दिए, अभी थोड़े फोटो खींचेंगे फिर चलेंगे घर, फिर जाना है हमें घर। घर जाने से पहले हाँ शनिदेव के वहाँ पर भी जाके मंदिर में जोत जलानी है हमें, फिर जाएंगे हम घर। ये देखें, ये है शनिदेव महाराज। जय हो शनिदेव महाराज जी की, जय हो, जय हो। अब हम चलते हैं घर, हमने शनिदेव महाराज जी के यहाँ पर जोत जला दी है, बेबी ने भी जला दी। चले बेबी घर, शनिदेव जी पे हमने जोत जला दी है, अब चलते हैं हम घर। देखिए हम आ चुके हैं और हमने यहाँ पर कार खड़ी कर दी अच्छे से, छोटी बेबी आ चुकी है और है ना, आप घर आ गए ना। बैठा तो दो, डोगी को देख रही है ये ना, ये रहा डोगी, डोगी तो देख रही हो, इसका नाम है टाइगर, टाइगर। आओ मुलाकात करा देते हैं आपकी, आओ टाइगर, टाइगर क्या कर रहा है, टाइगर हाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, छोटी बेबी पकड़ लो, आप पकड़ लो, पकड़ लोगे, कैसे कर रहा है वो। चलो गाइज मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पर ही समाप्त, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। अभी मैं धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ क्योंकि पहली बार ही है। तो बाय, मेरी वीडियो को देखते रहो।